नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके प्रोडक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैनकोड एसीएसटी रंग काइपर्स में होने वाले एक और लीग मुकाबले की, जो कि अब से लगभग 13 घंटे के बाद खेला जाने वाला है। ब्लैक कैप्स वर्सेस लिमासोल जालमी के बीच में बीसीपी वर्सेस लिच काफ़ी मज़ेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आपको नज़र आ रही होंगी अभी, बिकॉज दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छा मुकाबला जीती हैं दोनों ही पिछले अपने, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि लिच के जो ओपनर्स, इन्होंने दोनों मैचों में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, दो ही विकेट पे दोनों मुकाबले अपने जीत लिए थे, तो यहाँ पे पीसीपी को काफ़ी बेहतरीन टक्कर मिलने वाली है लिच की तरफ से। तो आज हम इसी मुकाबले की बात करेंगे और चुनेंगे अपने टॉप 11 फैंटसी पिक्स, जो आपको ड्रीम 11 में या फिर किसी भी अदर फैंटसी प्लेटफॉर्म में अच्छी विनिंग करवा सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए प्रोडक्शन को शुरू करते हैं। बस प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल वीके प्रोडक्शन, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेड टू हेड की लगभग सभी पॉसिबल टीम, फाइनल लाइनअप की जो आती हैं वो सभी पॉसिबल टीम आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, जो भी अच्छे मैचेस होंगे उनकी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक के थ्रू नहीं होता, डायरेक्ट सर्च करें टेलीग्राम पे बीके प्रोडक्शन और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। तो आइए अब शुरू करते हैं इस मैच को प्रोडक्शन की। तो बात करें दोस्तों, अगर ऐसे यहाँ पे ऐसा विकेट कीपर, तो ऐसा विकेट कीपर देखिए यहाँ पे मैं आपको एक नाम सेलेक्ट कर सजेस्ट करूँगा, यूसा। बिकॉज दोनों मैचों में अपनी शानदार बैटिंग की, पहले मैच में 31 रन किए हैं, दूसरा मैच में 35 रन किए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे बेस्ट विकेट कीपर यूसा। अगर आप चाहें तो पवनदीप को भी ट्राई कर सकते हैं, बस इतना ग्रैंड लीग में बस थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। हालांकि ये भी दोनों बार ड्रीम इलेवन टीम का हिस्सा बने हैं, एक मैच में 12 रन, एक मैच में इन्होंने 15 किए, बट यहाँ पे इनकी लाती चलने वाली नहीं है। तो ये तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलें तो बिल्कुल लीजिए, हेड टू हेड में भी आपको ये खिलाड़ी बिल्कुल चमकेगा और दिखेगा अभी। तो यहाँ पर तो मैं दूसरी सजेशन आपको देते ही नहीं, पवनदीप बहुत रिस्की रहेगा तो बिल्कुल मत लीजिए ना ग्रैंड लीग, हेड टू हेड में तो यही कहूँगा। चलिए बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। जे अली साहब बॉलिंग और बैटिंग दोनों धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं, प्लस पहले मैच का आप देख लीजिए रिकॉर्ड 56 रन किए थे, स्ट्राइक रेट देखिए 224 का रहा था और एक विकेट लिया था। फिर अगर दूसरे मैच की बात करें, उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन, 78 रन किए, स्ट्राइक रेट उससे भी ज़्यादा रहा, 339 का स्ट्राइक रेट, प्लस मात्र 23 गेंदों में बनाए थे इन्होंने 78 रन और विकेट्स नहीं लिए थे, विकेट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना बेहतरीन किया। तो इन्हें ये दो खिलाड़ी तो अब दोनों ही जो हैं लिस्ट के छोड़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी। देन एम खान यहाँ पे आपको ऊपर बैटिंग करने आ सकते हैं, ए उल्ला भी ऊपर बैटिंग करते हुए आपको देख सकते हैं। एम खान फर्स्ट मैच नॉट आउट गए थे, बॉल फेस की थी एक, लेकिन रन नहीं कर पाते, लेकिन हाँ विकेट करेंगे, बॉलिंग की करते हैं तो बॉलिंग करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन यही है कि ये बॉलिंग करेंगे, एक ओवर फेंका था। ए उल्ला की बात की जाए, 18 पॉइंट 14 पॉइंट दिए, लेकिन इन्हें भी इतना मौका नहीं मिला, 4 रन किए एक मैच में, 5 रन किए। तो ए उल्ला को अपना लीजिए, पर टैम खान को हमें कंगल पीछिए, फिर बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छा फायदा आपको दिखा सकते हैं। देन यहाँ पर आप एम फारूक को ले सकते हैं, एम फारूक भी अच्छी ऑप्शन है, पहले मैच में आप देख सकते हैं एक विकेट लिया था, तो एम फारूक भी बॉलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, बट मैं एम फारूक को यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रैंड लीग में कर सकते हैं। डब्लू अख्तर को लेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज डब्लू अख्तर यहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग करेंगे प्लस ओपन करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म है, पहले मैच में यहाँ पे आप देख सकते 42 रन, दूसरे मैच में भी इन्होंने रन नहीं किए लेकिन एक विकेट लेके गए थे, तो मैं यहाँ पे डब्लू अख्तर को सजेस्ट करूँगा, एज अ वाइस कप्तान भी आप नियुक्त कर सकते हैं। कैप्टन जे अलीसा आप बिल्कुल लीजिए, अच्छी ऑप्शन लग रही है, डब्लू अख्तर को कैप्टन कर सकते हैं आप यहाँ पे ग्रैंड लीग में, लेकिन हेड टू हेड में आपको जे अलीसा और डब्लू अली ही दिखेंगे। देन यहाँ पे फोर्थ बैट्समैन के साथ जान सकते हैं, तो के सिंह के साथ जाइए बिल्कुल, पहले मैच में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 51 रनों की पारी खेली, दूसरे मैचों में इन्होंने रन्स नहीं किए लेकिन एक कैच पकड़ा था हालांकि, तो आप जा सकते हैं के सिंह के साथ, फिलहाल अभी तो मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शंस की बात की जाए तो देखिए आर सिंह बरार, जिन्होंने पहले मैच में 32 पॉइंट, दूसरे मैच में 27 पॉइंट दिए,
विकेट लेने में सक्षम है प्लस बॉलिंग करेंगे। और सिंह की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पहले मैच में कुछ खास नहीं, दूसरे मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन, 2 विकेट प्लस 42, तो हर सिंह यहाँ पे बिल्कुल अच्छी ऑप्शन है, हर सिंह बरार अच्छी ऑप्शन है। देन यहाँ पे टी सिंह और एक खान, तो यहाँ पे एक खान को सजेस्ट करूँगा। पहले मैच में 2 विकेट लेकर गए, दूसरा मैच उसमें भी ये 3 विकेट लेकर, तो बहुत अच्छा बेहतरीन ऑलराउंडर है, फोर्थ ऑलराउंडर आप टी सिंह को ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप टी सिंह को ले सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप ले लीजिए, हेड टू हेड में भी ट्राई कीजिए, थोड़ा रिस्की रहेगा लेकिन अच्छी ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन, बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगे यू फारूक को मैं लूँगा। पहले मैच में उन्होंने जो कि धमाकेदार 2 विकेट लिए थे, इस वजह से मैं लूँगा। सेकंड मैच में हालांकि इतना अच्छा नहीं रहा था, बट मुझे लगता है अगर गेम फंसा ली पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में कुछ नहीं, ट्राई कर सकते हैं, अच्छी ऑप्शन। बाकी यहाँ पे कितनी कोई अच्छी ऑप्शन में नज़र भी नहीं आ रहा है फिलहाल। मैं एम खान को लूँगा, एम खान बैटिंग भी करने ऊपर आ रहे हैं, मैंने देखा था, माफ़ी चाहूँगा, ये वो एम खान नहीं है, तो मैं एम खान को तो फिलहाल नहीं दे रहा हूँ। आर सिंह को एंड एम फजील, ये 3 ही ऑलराउंडर ले रहा हूँ, यही आपको दिखेंगे। चलिए अगर इसमें बात करें दोस्तों एज अ कैप्टन वाइस कप्तान, एज अ कैप्टन जी अली साहब वाइस कप्तान बिल्कुल न सोचिए, डब्लू अख्तर बना दीजिए, चाहे तो आप ए खान के साथ भी जा सकते हैं, लिच के ही ए खान है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 2 मैचों में, देसी देख ही सकते हैं फिलहाल। लेकिन मुझे लगता है डब्लू अख्तर यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं फिलहाल तो डब्लू अख्तर को कर रहा हूँ टीम का वाइस कप्तान। ओके, सो फाइनल टीम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रेडी हो चुकी है। एज अ विकेट कीपर मैंने लिया यूसुफ को, 4 बैट्समैन एम खान जे अली, एज अ कैप्टन डब्लू अख्तर, वाइस कप्तान के सिंह, 3 ऑलराउंडर्स ए खान, आर सिंह बराबर, 3 बॉलर्स एम फजील, यू फारूक एंड आर सिंह नंद्रा। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव करके रख लीजिए, डेमो टीम है। ओके, जो भी फाइनल अपडेट आएगी, जो भी इस मैच की फाइनल अपडेट आएगी, लाइक डेट अगर कोई खेलता नहीं तो चेंजेस हो सकते हैं या कोई नया प्लेयर आता है, तो जो भी फाइनल अपडेट आएगी उसके भी हाँ पे आपको जो है हमारी अपडेट मिल जाएगी हमारे इस टेलीग्राम चैनल वी के प्रोडक्शन पे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक के थ्रू नहीं होता डायरेक्ट सर्च करें टेलीग्राम पे वी के प्रोडक्शन, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको प्रोडक्शन अच्छी लगी, अगर प्रोडक्शन अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है दोस्त, लाइक कर दो वीडियो को जल्दी जल्दी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट आज अपडेट पाने के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल वी के प्रोडक्शन को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना नहीं तो डायरेक्ट सर्च कर देना। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।